सीमांचल को जोड़ने वाली सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर ट्रेनों के परिचालन को देखने के लिए लोगों की आंखें पथरा गई हैं। कई सरकारें आई और कई लेकिन इन क्षेत्रों में रेलवे का विकास नहीं हुआ। रेलवे की तरफ से 7 साल पहले आमान परिवर्तन के लिए इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। तब से लेकर अब तक इस आमान परिवर्तन का कार्य पूरा नहीं हुआ। लोगों के इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी, इस बात का जवाब न तो प्रतिनिधियों के पास है और न ही रेलवे अधिकारियों के पास। मैंने उठाया था कि अमान्य परिवर्तन 8 साल पहले से इसको होना था, परंतु अब तक नहीं हुआ है। और इसके बाद फिर क्षेत्रीय बैठक समस्तीपुर जोन में हम लोगों की बैठक हुई थी 3-4 महीना पहले, और उसने कहा है कि 2021 तक हम फारबिसगंज तक चलवा देंगे और आपसे मैं हरा झंडा दिखवाऊंगा। तो उसमें काम शुरू होना है अभी और वो फारबिसगंज तक चलेगी। और 21 में विभाग ने हमको कहा है, जैसे हमने मैनेजर साहब से बात किया था तो उसने कहा कि नहीं 2021 तक हम कितना भी जल्दी करेंगे तो हमको 1 साल का वक्त लगेगा। तो उसमें हम लगे हुए हैं, वो भी होगा। और दूसरा जो रेल लाइन था अररिया से सुपौल और सुपौल से अररिया, अररिया से गलगलिया, जो आपका प्रखंड फारबिसगंज का खवासपुर और कुर्साकाटा होते हुए सिफ्टी तक जाती है उधर गलगलिया तक, उसका 21 किलोमीटर टेंडर हो गया है। बता दें कि 20 जनवरी 2012 को सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर पहले चरण का मेगा ब्लॉक लिया गया। तब कोसी सीमांचल के लोगों को लगा कि अब उनके भी दिन बहुरेंगे और देश के तमाम हिस्सों से वो भी सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। राघोपुर और फारबिसगंज के बीच अमान परिवर्तन का कार्य अभी गति भी नहीं पकड़ पाया था कि दूसरे चरण में राघोपुर और थरबिटिया के बीच मेगा ब्लॉक ले लिया गया, और फिर तीसरे चरण में 25 दिसंबर 2016 को थरबिटिया और सहरसा के बीच अमान परिवर्तन को लेकर मेगा ब्लॉक ले लिया गया। लेकिन सीमांचल के लोगों का सपना पूरा होने में 7 साल गुजर गए। वहीं जानकारों का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल फारबिसगंज तक ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा जो है बजट सत्र में जो रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, इससे इस क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर खुशी है और ये परिचालन जो है जब चालू हो जाएगा इसी साल के अंत तक, तो लोग को जो है केंद्र सरकार की जो एक नीति थी उसके संदर्भ में जो भाई सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, वो एकदम बिल्कुल खरा उतरेगा। और यह काम जो है इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी था और हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को हृदय से बधाई देते हैं। बता दें कि पटरी के इंतजार में कोसी नदी पर पुल बने लगभग 8 साल गुजर गए, लेकिन आज भी इस रेलखंड को पटरी का ही इंतजार है। कभी बाढ़, कभी व्यवस्थागत परेशानी, कभी फंड का रोना तो कभी जमीन अधिग्रहण और मुआवजे जैसे चक्करों में निर्माण की रफ्तार की हालत देख कोसी सीमांचल के बूढ़े बुजुर्ग भरोसा तोड़ चुके हैं। उन्हें बेसब्री से रेल परिचालन का इंतजार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फारबिसगंज से विपुल विश्वास की रिपोर्ट।